नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर और मैं संपत लीड ले के लिए आज सी प्रोग्रामिंग से संबंधित एमसीक्यू को लेकर हाजिर हो चुका हूं तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है नेक्स्ट थियोर और प्र, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उनको इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं ठीक है तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है इन विच नंबरिंग सिस्टम कैन द बाइनरी नंबर बी इजिली कन्वर्टेड टू ठीक है किस नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो है बाइनरी नंबर सिस्टम को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल सिस्टम हेक्साडेसिमल डेसिमल सिस्टम ऑक्टल सिस्टम या फिर कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहती है तो बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा आंसर सही होगा सभी एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए तो देखिए भाई यहां पर आपका प्रश्न संख्या एक के अंदर राइट आंसर होगा बी हेग्जा डेसिमल सिस्टम कौन सा होगा भाई हेग्जा डेसिमल सिस्टम जो ऑप्शन है वो एकदम आपका सही होगा क्योंकि हम जो है इसके अंतर्गत चार जो बिट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट चार बिट के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं किसको हेग्जा डेसिमल सिस्टम जो नंबर सिस्टम होता है उसको दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है विच बिट ऑपरेटर इज सुटेबल फॉर टर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिट इन अ नंबर फॉर टर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिट इन तो बात बिट की, की जा रही है तो अच्छे से समझ के फिर इसका आंसर दीजिएगा सभी के सभी तो देखिए प्रश्न संख्या दो का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं प्रश्न दो का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी बिटवाइज एंड ऑपरेटर ठीक है ये बाकी लॉजिकल आपका एंड है लॉजिकल और है ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ठीक है तो यहाँ पर आपका जो है बिटवाइज को ऑफ करने के लिए टर्निंग ऑफ के अंदर के जाने के लिए आप बिटवाइज एंड ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं ठीक है अगला प्रश्न है तीसरा आपके सामने यहाँ पर प्रोग्राम है आपके सामने और इस प्रोग्राम का अच्छे से समझ के आंसर बताइए इंटीजर टू बाइट्स व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पर आपको इंटीजर का टू बाइट्स दिया हुआ है बताइए अब आपका कौन सा सही होगा इसमें इसके लिए यहाँ पर आपको दस सेकेंड और दिया जा रहा है तो फटाफट आंसर दीजिए इसका चलिए तो अब बार बारी आती है इस प्रोग्राम को समझने की तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने लिया है परसेंटेज एक्स जिसके बारे में आपको याद रखना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप परसेंटेज एप्स का यूज करते हैं इस फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्स का यूज करते हैं यहाँ पर दे रखा है आपके माइनस एक्स और यहाँ पर आपको थ्री दे रखा है चलिए तो अब बारी आती है इसके अंतर्गत आपको इसको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को वो आपको देखना है ठीक है तो देखिए भाई अब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो लेकिन पहले हम जो है इसका करेंगे जो बाइनरी होता है उसके अंदर कन्वर्ट आपको जो एज्यूमिंग दे रखा है आपको टू ठीक है तो इसके अंदर हम इसको पहले टू बाइट्स मीन्स क्या सोलह बीट हो चुका है तो सोलह बीट में पहले हम इसको लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एक और इधर कर देते हैं बारह तेरह ठीक है ये हो गया चौदह ये हो गया आपके पंद्रह और यहाँ पर आ गया आपका ये सोलह वाला ठीक है एक क्योंकि आपको एक दे रखा है अब हम यहाँ पर जो है इसके अंदर अः इसको पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे इसको ठीक है तो फर्स्ट के अंदर करेंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो जीरो है वो आपके सारे के सारे हो जाएंगे वन ठीक है और वन जो होगा वो हो जाएगा जीरो तो ये हो गया आपका जीरो बाकी सभी हो गए वन तो इसके नीचे वन ये वन हो गया इन सभी को आप जो है ऐसे कन्वर्ट करेंगे ऐसे ज्ञात करेंगे तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन हो गया अब बारी आती है आपके सेकेंड टाइम मतलब इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने की तो इसके अंदर आप प्लस वन एड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका ये टूज टाइम में हो गया तो ये वन आ गया बाकी सभी एज इट इज नीचे आ जाएंगे तो इस जीरो की जगह यहाँ पर जीरो और वन का हो गया तो ये वन हो गया यहाँ पर बाकी सभी ये सारे के सारे एज इट इज नीचे रहेंगे अब इन सभी को आप अगर फोर टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो इधर को ये चार बिट का जोड़ा ये आपके हो गया चार बिट का जोड़ा ये आपके हो गया चार बिट का जोड़ा और ये आपके अलग से हो गया एक चार बिट का जोड़ा तो इसमें अभी हमने जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ज्ञात किया है तो यहाँ से ही जब अगर चार बीट के जोड़े के अनुसार देखें तो अभी हमारा यहाँ पर इस जीरो की जगह आपको पता ही होगा वन आया है हैं। अभी हमने जस्ट ज्ञात किया है तो अब इनको हम ज्ञात करते हैं तो देखो वन ये टू ये फोर हो गया और एट हो गया तो आठ और चार बारह दो चौदह और एक पंद्रह तो पंद्रह को हम किस प्रकार लिखते हैं एक में एफ, इसी प्रकार से ये भी एफ इस प्रकार से ये भी एफ और ये भी एफ तो फोर टाइम एफ वाला ऑप्शन कौन सा है आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है इसके अंतर्गत ठीक है तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चार की और चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है इसका आंसर बताइए सभी के सभी प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा बताए सभी जो भी लाइव जुड़े हैं वीडियो को जरूर लाइक करें भाई सभी के सभी फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी के सभी भाई तो अब आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ जिन्होंने ट्रांसफर कर रहा हूँ तो जो वाई का मान हुआ वो एक्स का मान हो चुका है इसके अंतर्गत ठीक है एक्स के द्वारा इसको प्रिंट कर दीजिए सीधा समान है कि यहाँ पर आपका आंसर जो है एक आने वाला है अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है पांचवा इसका आंसर बताएं सभी

एस का जो वैल्यू है जब तक रहेगा तब तक ये क्या करेगा एस तो के अंदर क्या है, HTR, HTR के अंदर क्या है तो यहाँ पर आपका आउटपुट जो है वो सी वाला सही होता है ठीक है सी वाला ऑप्शन सही होता है इसके अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है छठा प्रश्न आंसर बताएं सभी के सभी इसका प्रश्न संख्या छह का उत्तर बताएं तो चलिए भाई अब बारी आती है इस प्रश्न को समझने की यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक इंटीजी टाइप का फंक्शन है गेट और यहाँ पर हमारे पास इंटीजी टाइप का एक मेन फंक्शन है यहाँ पर मैं इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन्स्ट टाइप का जिसके अंदर जो गेट का जो जो भी हम आगे जाके इसको डिफाइन करेंगे वो वैल्यू इसके अंदर रहेगी उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को यहाँ पर जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी एक्स के अंदर पास होगी ठीक है और एक्स को फिर प्रिंट करेगी अब रिटर्न जीरो और यहाँ पर आपका जो है ये प्रोग्राम पर इसका जो बॉडी है है कैंसिल मतलब बंद हो जाता है। उसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं तो इंटीजर गेट के अंदर मैं यहां पर कह रहा हूँ रिटर्न करना है ट्वेंटी को ट्वेंटी गेट के अंदर गेट से एक्स में और एक्स के द्वारा इसको प्रिंट कर दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका ट्वेंटी सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही होता है इसके अंतर्गत आगे सात प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सातों प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर अच्छे से समझें इस प्रश्न को और उसके बाद इसका आंसर बताएं सभी के सभी फटाफट पड़ सभी जो है इसका आंसर बताए भाई प्रश्न संख्या सात का उत्तर बताएं भाई सभी तो देखिए भाई आप जिन्होंने भी आंसर दिया है अपना आंसर जांच कर लीजिए यहाँ पर एक मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद आप देख सकते हो इंटी, आई, इंटीजर आई है कौन टाइप का जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली है जीरो प्रिंट एप कर रहा हूं मैं यहां पर आपके आई के मान को एक बढ़ाकर कर रहा हूं, अब पर क्या होगा इसका जैसा कि आपको पता होगा कि का मतलब होता है, उसमें जबकि हमने यहां पर चेंजेस करने की कोशिश की है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका आएगा एरर ठीक है प्लस प्लस नीड अ वैल्यू तो यहाँ पर आपका जो है ये एरर जनरेट करेगा ठीक है तो ये आपका डी वाला ऑप्शन जो है इसके अंतर्गत सही होता है आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आठ की और 8वां प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर अच्छे से इसको समझ के आंसर दीजिए इसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन अ रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 3.14 बाय 2.1 तो इसके लिए आप कौन सा सुटेबल फंक्शन जो है यूज करेंगे उसके बारे में बताना है आपको चलिए अब बारी आती है यहां पर आपके सामने आ, इस प्रश्न का उत्तर देने की तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ठीक है यहाँ पर एक आर एम e. नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर मैं यहाँ पर एफ मोड फंक्शन का यूज करते हुए इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं जिस प्रकार का आपका जो मोड्यूल्स ऑपरेटर होता है ठीक है तो उसी प्रकार से ये भी काम करता है ठीक है लेकिन ये आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन के ऊपर भी होता है इसके अंदर एफ मोड फंक्शन के अंतर्गत फ्लोटिंग मोड ठीक है फ्लोटिंग मोड्यूल भी कह सकते हैं पूरा नाम इसका नवा प्रश्न आपके सामने है व्हाट आर द टाइप ऑफ लिंकेज लिंकेज के प्रकार इनमें से कितने हैं? लिंकेज के कितने प्रकार हैं? यह बताने हैं आपको चलिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं जिन्होंने भी इसका उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर लीजिए तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जो प्रश्न संख्या नौ है इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका बी तीन प्रकार के होते हैं लिंकेज एक्सटर्नल इंटरनल और यहाँ पर आपका दे रखा है एक नन लिंकेज तो जो ये एक्सटर्नल लिंकेज होता है ये होता है नॉन स्टेटिक जो नॉन स्टेटिक वेरिएबल होता है ना ये उससे संबंध रखता है कौन सा एक्सटर्नल लिंकेज जबकि ये दो सेकंड नंबर पे आपका इंटरनल लिंकेज है वो आपका स्टैटिक वेरिएबल का प्रकार है और जो नॉन ये जो नन लिंकेज है वो आपका एक लोकल वेरिएबल होता है क्या एक लोकल वेरिएबल से रिलेट करता है ये आपके ये नॉन स्टेटिक आप मान सकते हो इसको ये आपका स्टेटिक होता है ध्यान रखिएगा वेरिएबल ठीक है आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल अलाउड इन अ वेरिएबल ना वेरिएबल नेम एक वेरिएबल के नाम के अंतर्गत इनमें से किस विशेष सिंबल का प्रयोग आप कर सकते हैं एस्टेरिस पाइपलाइन हाइफन या फिर अंडरस्कोर तो देखिए भाई आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ जिन्होंने इसका उत्तर उत्तर दिया है तो यहां पर आपका जो होगा होगा वो हो आइडेंटिफायर तो मतलब जब वेरिएबल का आप नाम डिफाइन करते हो नेम डिफाइन करते हो उस टाइम आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है कुछ नियम होते हैं जैसे स्टार्टिंग हमेशा आपके अल्फाबेट से होनी चाहिए उनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए ठीक है और अगर आपको दो नाम है तो उसके लिए आप जो है बीच में स्कोर का प्रयोग कर सकते ऐसे मैंने बता रखा है आइडेंटिफाई आड़, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी पूछा गया था तो भाई ये था आपके लिए आज का वीडियो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ऊपर एक आप शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो ठीक है आगामी जो नेक्स्ट वीडियोस या नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है कोर्स है उनकी अपडेट पाने के लिए ठीक है बाकी आप इस पीडीएफ में से किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं मिलते हैं एक और नई अपडेटेड और नई चीजों की वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत